जय हिंद दोस्तों। तो क्या हाल है, मेरा नाम है विकास। तो भाई साहब, अगर आप लोग 2022 9 अप्रैल को सामाजिक विज्ञान का पेपर देने वाले हो तो वायरल मॉडल पेपर लेकर हाजिर हो चुका हूं। तो आपको इसे सॉल्व करके जरूर जाना है। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि बोर्ड एग्जाम में किस तरीके के प्रश्न आते हैं, कौन कौन से आएंगे और कितने आएंगे। और हाँ, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में इसमें से आ सकते हैं। और एक सूचना आप लोगों को कि यहां पर मेरे पास देख सकते हैं इतने सारे पेपर सामाजिक विज्ञान के हैं, तो मैं आपको इन्हें एक एक करके देने वाला हूं वीडियो के माध्यम से। तो आपको पीडीएफ भी मिला करेगी, तो आप लोग मेरे चैनल के साथ बने रहना। तो आ जाओ भाई साहब, वीडियो को शुरू करते हैं। और क्या है ना, तो चलो आ जाओ। तो भाई साहब, अगर आप लोगों का 9 अप्रैल 2022 को एग्जाम है तो इस वीडियो को आपको आखिरी तक देखना है। मैं बताऊंगा आपको कि इसमें 28 प्रश्न मिलेंगे, ठीक है। जो यहाँ पर मॉडल पेपर है इसमें आपको टोटल 28 प्रश्न मिलेंगे। और आप लोग देख सकते हो 2022 के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है और वायरल मॉडल पेपर है, ध्यान रखना वायरल है, ठीक है। तो इसे आपको सॉल्व करके जरूर जाना है। तो इसमें आपको 3 घंटे 15 मिनट का टाइम मिलता है, जो कि हर एग्जाम में मिलता है। मैं आपको बताऊंगा कि इस समय आपको कैसे इसमें लिखना है कि भाई 28 प्रश्न आप लोग 3 घंटे 15 मिनट में कर पाओ, साथ में सारी चीजें बताऊंगा। और आपको बताऊंगा कि भाई 9 अप्रैल से पहले अगर ये वीडियो देख रहे हो तो गोल्डन स्ट्रेटजी क्या होगी, कैसे आप लोग तैयारी करोगे, यानी कि आपका वीडियो अंत तक देखना है, ठीक है। यहां पर सबसे पहले वीडियो को अंत तक देखना है, उसके बाद यहां पर देखिए कि क्या तैयार करना है। आपके माइंड में क्वेश्चन आता है तो मैं ये भी आपको बताने वाला हूं, उसके बाद कैसे तैयार करना है ये भी आपको बताने वाला हूं, और क्या क्या आएगा ये भी आपको बताने वाला हूं, यानी किस टाइप के प्रश्न आते हैं, ज्यादातर मेरा जो एक्सपीरियंस है वही साझा करूंगा, और यहां पर पेपर कैसा आएगा, ठीक है। तो यहां पर ध्यान देना भाई साहब की देखो, सबसे पहले आपको 95% फोड़ना है बस, ठीक है। इस पेपर को तो सॉल्व करो, अगर सॉल्व करना है तो करो जल्दी से, ठीक है। तो यहां पर देखो, सबसे पहले पूरा वैसे ही आप लोग पढ़ सकते हो। अब सीधे हम प्रश्न की ओर आते हैं। तो यहां पर आप लोग खंड का देख सकते हो आया है, इसमें आपके 6 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बहुविकल्पी जरूर तैयार करें, मैं तैयार करवा दे रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर क्या कहता है, बेल्जियम मॉडल की मुख्य विशेषता क्या है। तो बेल्जियम मॉडल की मुख्य विशेषता क्या है, पहला है कि भाई सत्ता में सभी जातीय समूह की साझेदारी, सत्ता में कुछ गिने चुने लोगों की साझेदारी, गा है सत्ता में सभी धर्मों के लोगों की साझेदारी, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से कौन सा विकल्प राइट है, जल्दी से कमेंट करो। हाँ चलो, अब मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें से आपका ये का नंबर वाला विकल्प है कि भाई सत्ता में सभी जाति समूह की साझेदारी, भाई सभी जात के लोग सत्ता में आएँ, यही बेल्जियम मॉडल की विशेषता है। और उसी से हमारे संविधान में मतलब समझ लो एक प्रकार से लोकतांत्रिक जो संविधान हमारा है उसमें लिया गया है पार्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, महात्मा गांधी ने किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर पहला विकल्प है रॉलेट एक्ट, दूसरा है जलियांवाला बाग हत्याकांड, और यहाँ पर भाई साहब तीसरा देख सकते हो है कि खिलाफत आंदोलन और चौरा चौरी कांड, ठीक है। तो कौन सा यहाँ पर होगा भाई साहब, तो यहाँ पर चौरी चौरा कांड लिखा गया है, तो ठीक है, चौरा चौरी भी कभी कभी लिखा आ जाता है, ठीक है। तो ध्यान देना, यहाँ पर ये वाला विकल्प आपका सही हो जाता है। और मैं आपको बता दूँ, चौरा चौरी कांड एक अहिंसात्मक आंदोलन में बदल गया था। पहले गांधी जी अहिंसात्मक आंदोलन चलाए थे, असहयोग आंदोलन, उसके बाद क्या हुआ कि चौरा चौरी कांड हो गया भाई साहब, तो वो क्या हिंसात्मक बदल गए, एक भीड़ ने पुलिस स्टेशन को ही जला दिया। तो सारी चीजें आपको बता दूंगा। आगे देखो, तीसरा है 1861 ईस्वी में संयुक्त इटली का शासक कौन बना। तो पहला यहां पर का नंबर विक्टर इमैनुएल, दूसरा है आपका बिस्मार्क, तीसरा है विक्टर इमैनुएल द्वितीय, और यहाँ पर चौथा है काबूर। तो कौन है भाई साहब यहाँ पर ये विकल्प, तो आप लोग कमेंट करो, मैं बताता हूँ। यहाँ पर आपका है गन नंबर वाला, तो आप लोगों का राइट विकल्प है गन नंबर वाला, यानी विक्टर इमैनुअल द्वितीय, कभी कभी इमैनुअल बेल्जी का आ जाएगा या विक्टर द्वितीय। तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें तो ध्यान देना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चौथा क्वेश्चन आपका क्या कहता है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की थी। तो हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना का है आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू, खा है रविंद्रनाथ टैगोर, गा है महात्मा गांधी, और घा है बाल गंगाधर तिलक। तो किसने की थी, तो मैं आपको बता दूं यहां पर भाई साहब महात्मा गांधी जी ने, ठीक है। तो आप लोगों को पहले वीडियो को पॉज करना है, फिर कमेंट करना है, उसके बाद देखना क्या आपका विकल्प सही है, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ मुझे किसने क्वेश्चन आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है, जर्मनी का एकीकरण किस युद्ध के बाद हुआ था। ये भी आपका एक नंबर का आएगा, तो का है आपका ऑस्ट्रिया प्रसा युद्ध द्वारा या फ्रांस प्रसा युद्ध द्वारा, फ्रांस ऑस्ट्रिया युद्ध द्वारा, या इसमें से कोई नहीं, तो आपको बताना पड़ेगा यहाँ पर। तो मैं आपको बता दूं भाई साहब कि ख नंबर का आपका जो विकल्प ये आपका राइट हो जाता है, फ्रांस प्रसा द्वारा, जिसमें फ्रांस की पराजय हो गई थी, उसके बाद जर्मनी के एकीकरण की ओर कदम उठाए गए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं,
आगे आपका तो आ सकता है कि भाई जब फ्रांस और प्रसा का युद्ध हुआ तो उसमें किसकी पराजय हुई, तो उसमें फ्रांस की पराजय हुई, देखो विकल्प में आ सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छठवां है आपका, भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है, सातवीं, दसवीं, आठवीं या नौवीं? तो मैं बता दूं, आठवीं अनुसूची में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब आपके आएंगे अति लघु उत्तरी प्रश्न। ये कितने नंबर के रहेंगे आप लोगों को देख लेना है, देखो यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर अति लघु उत्तरी प्रश्न कितने रहेंगे, तीन टोटल रहेंगे, तीन यानी टोटल आपके कितने रहेंगे, छह नंबर के, यानी दो दो नंबर के रहेंगे, 2+2+2। ठीक है, तो ये ध्यान देना है। पहला यहाँ पर क्या कहता है, गांधी जी द्वारा चलाए गए दो सत्याग्रह आंदोलनों का उल्लेख कीजिए। तो गांधी जी द्वारा दो सत्याग्रह कौन कौन से चलाए गए थे, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ थोड़ा सा कि भाई देखो, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन और कमेंट कर दो। ठीक है, बहुत सारे आंदोलन गांधी जी ने चलाए थे। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका है आठवां। आठवां क्या है, लोकतांत्रिक शासन क्यों लोकप्रिय माना जाता है? दो कारण लिखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। लोकतंत्र हमारे देश में है और लोकतांत्रिक शासन में क्या होता है कि जो भी ऊपर के पदाधिकारी होते हैं वो जनता द्वारा चुनकर जाते हैं, तो जनता के लिए थोड़ा बहुत काम करते हैं, वैसे करते तो नहीं है। आगे देखो यहाँ पर, भारत की उत्तरी पूर्वी सीमा पर स्थित दो लोकतांत्रिक देशों का नाम लिखिए। दो लोकतांत्रिक देशों का भी नाम आपको बताना है, तो जल्दी से मुझे कमेंट कर दो लोकतांत्रिक देश कौन से हैं। ठीक है, और दोस्तों मैं आपको बता दूं भाई साहब कि इस वीडियो का लाइक मैं कम से कम रखता हूँ आपकी बात 10,000। पहली बार मैं इतना लाइक एम रखता हूँ, 1,000 के नहीं भाई, 10,000। ठीक है, तो 10,000 लाइक करता हूँ लाइक एम, तो आप लोग प्लीज़ कर देना। और कमेंट कम से कम मुझे 1,000 इसमें से चाहिए कमेंट, तो जल्दी से कुछ भी कमेंट कर सकते हो। और हाँ, शेयर अपने दोस्तों के पास कम से कम 500 लोग कर दो, तो 500 शेयर चाहिए तो आप शेयर अपने व्हाट्सअप वगैरह में कर सकते हो, या अपने दोस्तों को मेरे चैनल के बारे में बता सकते हो। आगे बढ़ते हैं, तो कमेंट कर देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लघु उत्तरी प्रश्न, तो लघु उत्तरी प्रश्न कितने नंबर के आपके आएंगे, तो देख सकते हो यहाँ पर भाई साहब की दो तो पूछे जाएंगे, 3+3 यानी ये भी 6 नंबर के आएंगे, यानी आपके टोटल 6+6+6। ठीक है, ऊपर आप देख सकते हो, तो यहाँ पर 18 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो लघु उत्तरी प्रश्न में 10वां क्वेश्चन है, मारियान और जर्मेनिया कौन सी थी, यार कौन सी थी, उसको चित्रित करने का क्या उद्देश्य था? तो मारियान और जर्मेनिया कौन थी, तो आपको बताना पड़ेगा। उसके बाद अथवा में भी दिया है कि दोनों में से कोई एक कर सकते हो। रॉलेट एक्ट क्या था, गांधी जी ने इस एक्ट का विरोध किस प्रकार किया था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आपको तैयार जरूर करना है। ठीक है, रॉलेट एक्ट, ठीक है, रॉलेट एक्ट ने एक रॉलेट नामक व्यक्ति था, उसके अनुसार पारित किया गया था। उसमें क्या हुआ था कि भारतीयों को शक के आधार पर गिरफ्तार कर सकते थे, मतलब कोई सूचना नहीं, कुछ नहीं, मतलब एक प्रकार से गुंडेगर्दी समझ लो। ठीक है, अंग्रेज करते थे तो यही है। आगे देखो, वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था की तीन चुनौतियों का उल्लेख कीजिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था की तीन चुनौतियाँ क्या हैं भाई साहब? पहला तो चुनाव करवाना, वो भी एक चुनौती है, और भी बहुत सारी हैं, मैं अब यहाँ पर बताने लगे हूँ, टाइम लग जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अथवा में है, लोकतंत्र में उत्तरदायी शासन एवं पारदर्शिता आवश्यक है, इसके पक्ष में अपना मत स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो ये आपको बताना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। दीर्घ उत्तरी प्रश्न, तो दीर्घ उत्तरी प्रश्न आप लोग देख सकते हो 6 नंबर का यहाँ पर है भाई साहब, अथवा में दिया गया है, और यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ 6 नंबर का दीर्घ उत्तरी प्रश्न है, और यहाँ पर देखो एक दीर्घ उत्तरी प्रश्न 6 नंबर का और है, यानी टोटल आपके 12 नंबर के दीर्घ उत्तरी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो कहता है कि भाई बढ़ावा आएगा, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमयों में तीन तरह की गतियों या प्रवाहों की उल्लेख कीजिए, का उल्लेख कीजिए लिखा होना चाहिए, अपने उत्तर की पुष्टि हेतु उपयुक्त उदाहरण भी दें। ठीक है, अथवा में देगा कि भाई प्रथम विश्व युद्ध के बाद आई आर्थिक महामंदी का क्या कारण था, किन्हीं दो पर आपको चर्चा करना है, या क्या लिखा है यहाँ पर, देखो किन्हीं दो को बताइए, उल्लेख कीजिए, ऐसे होगा। देखो यहाँ पर प्रभावों का उल्लेख कीजिए, ठीक है, आपको प्रभाव बताना है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। उसके बाद भाई विश्व युद्ध हुआ तो क्या हुआ था, बहुत सारी मंदी हो गई थी, मतलब क्या हुआ, लोगों के पास अनाज वगैरह घट गए या बहुत सारे लोग मारे गए, तो ये सारी चीज़ें हुई थी। तो युद्ध में क्या क्या होता है आप लोगों को कल्पना करना है और लिख देना है। आगे बढ़ते हैं। सत्ता की साझेदारी का क्या अर्थ है या क्यों आवश्यक है, किन्हीं दो कारण का उल्लेख कीजिए, तो कारणों का उल्लेख करना है, दो ठो कारण बताओगे आप लोग। तो सबसे पहले दो नंबर तो यहाँ तक के क्वेश्चन को मिलेंगे, इसमें कुल मिलाकर तीन क्वेश्चन शामिल है, 2, 2, 1, 1, यानी इसका मतलब जानते हैं, दो कारण बताओगे तो दो नंबर मिलेंगे, दो नंबर इसका मिलेंगे, और क्यों आवश्यक है बताओगे तो दो नंबर इसका मिलेंगे, तो यही लिखा जाता है 2+2+1+1। ठीक है, तो दो कारण बताओगे तो दो नंबर, यहाँ पर टोटल 6 नंबर। आगे बढ़ते हैं। अथवा भी दिया गया कि भाई संघवाद का क्या अर्थ है, ठीक है, उसके बाद क्या है कि संघीय राय प्रणाली की किन्हीं तीन विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, तो संघीय प्रणाली में तीन विशेषताएं आपको बताना है, तीनों विशेषताएं आप बताओगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो 1.5, 1.5, 3, 1.5, 1.5, 3, यानी टोटल आपके 3+3, यानी ये भी 6 नंबर का रहेगा। अथवा में ये दोनों करके नहीं आना है, केवल एक करना है, अथवा वाले में यही होता है कि भाई किन्हीं दोनों में से एक को करना होता है,
ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, मानचित्र संबंधी कार्य आपका आ जाएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर देखो यही पूरा आपको दर्शाना पड़ेगा, जो भी भारत का ऐसे मानचित्र होता है, मान लो ऐसे, ठीक है, तो जो भी है ऐसे दर्शाना है भारत का, भारत के मानचित्र में, कि भाई पहला दिया गया वह स्थान जहाँ, देखो ये वाले बिंदु से, ठीक है, ऐसे दर्शाना पड़ेगा, ऐसे लिख कर फिर यहाँ पर लिख देना कि कौन सा स्थान है। मैं बता दूंगा जल्द ही मानचित्र भरना, ठीक है। तो यहाँ पर कहता क्या है, देखो कि भाई साहब क्या कहता है, वह स्थान जहाँ से गांधी जी ने नमक बनाना प्रारंभ किया, तो ये कौन सा स्थान है जहाँ से गांधी जी ने नमक बनाना प्रारंभ किया था, या पूछ सकता है कि वह स्थान जहाँ गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था, तो ये कहाँ पर तोड़ा था, तो मैं आपको बता दूँ भाई। अरे यार ये क्या है, यहाँ पर पहला क्वेश्चन ये है, वही तो पूछ रहा हूँ, वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तो वह स्थान क्या है, तो मैं बता दूँ अमृतसर। तो ध्यान रखना अमृतसर, ठीक है, अमृतसर यहाँ पर स्थित है जम्मू कश्मीर के पास। आगे बढ़ते हैं, वह स्थान जहाँ से गांधी जी ने नमक बनाना प्रारंभ किया, तो कहाँ से नमक बनाना गांधी जी ने प्रारंभ किया, तो वो है दांडी। पूछ सकता है कि वह स्थान जहाँ गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था, तो वो भी दांडी, और बता दो ये कब तोड़ा था, तो 1930 ईस्वी, कभी कभी पूछ लेता है। आगे बढ़ते हैं, वह स्थान जहाँ नील की खेती करने वाले किसानों ने आंदोलन किया, तो कहाँ पर किया था नील की खेती करने वाले किसानों ने, गन नंबर में आपको ये मैं आपको बता दूँ, प्लीज़ कमेंट कर दो, कमेंट का मैं भिखारी हूँ, कमेंट कर दो, ठीक है, तो क्या है मुझे बता देना। आगे बढ़ते हैं, वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया, तो कहाँ पर सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया था, तो मैं आपको बता दूँ खेड़ा, तो आप लोग याद रखना। उसके बाद आगे, वह स्थान जहाँ दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो देख ध्यान देना, दिसंबर कहीं एक जगह होता है, सितंबर, तो सितंबर आएगा तो दूसरा रहेगा, दिसंबर आएगा तो दूसरा रहेगा, तो ध्यान देना, वह स्थान जहाँ दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, तो ये कहाँ पर होगा, तो ये मुंबई नहीं, नागपुर है, अच्छा नागपुर देख लेना, नागपुर होगा, तो नागपुर ही होगा, देख लेना, ठीक है, मुझे कन्फ्यूजन आ रही है इसमें। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थी ही करेंगे, तो आपको इसे नहीं करना है, अगर आप दृष्टिबाधित में शामिल हैं तो करना है। आगे बढ़ते हैं, खंड खाक, और हाँ दोस्तों एक और सूचना कि अगर आप लोग YouTube के बारे में कुछ भी सीखना चाहते हो या टेक रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हो, मेरा टेक चैनल सब्सक्राइब करो, और हाँ ब्लॉग देखना चाहते हो, लाइफ स्टाइल मेरा जो घूमूंगा जो भी दिखाऊंगा, तो आप लोग मेरा ब्लॉग चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, उसमें मैं काफी अच्छी अच्छी चीजें जल्दी लाने वाला हूँ, क्योंकि अभी एग्जाम टाइम है तो अभी तो नहीं ला सकता, आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा, और हाँ अगर आप लोगों का आगे खाली टाइम है तो आप लोग देख सकते हो, ठीक है, आप लोग सीख सकते हो कि यूट्यूब से कैसे पैसे कमाए जा सकते हैं। तो चलो आगे मिलना फिर टेक चैनल में, और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। खंडखा भी आपका देख सकते हो यहाँ पर रहेगा, टोटल कितने नंबर का, 35 नंबर का, 35 नंबर का आपको ऊपर रहता है, 35 नंबर का नीचे रहता है, 70 का पूर्णांक होता है पूरा, 30 नंबर का आपको स्कूल से मिलता है, जानते ही हो। तो यहाँ पर देखो क्या है, पहला क्या दिया, ये भी 6 नंबर के बहुविकल्पी आएंगे, ठीक है, 6 ठो। तो यहाँ पर क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार यानी सोपातनी खेती की जाती है, सीढ़ीदार खेती की जाती है, सीढ़ियाँ बना बनाकर, तो पंजाब में, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या उत्तराखंड, तो पंजाब उत्तर प्रदेश है तो हो ही नहीं सकता, हरियाणा में भी नहीं है, तो यहाँ पर पंजाब में, ठीक है, तो पंजाब है। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सी रबी फसल है, तो कौन सी रबी फसल है, दालें, मोटे अनाज, चना या कपास, तो कौन सी रबी फसल है, तो मैं आपको बता दूं, देखो आपके कई क्वेश्चन बैंक में लिखा होता है दालें, ठीक है, अब यहाँ पर दिया गया है चना, इतने मूर्ख लोग हैं कि दोनों विकल्प कैसे दे सकते हैं, क्योंकि देखो दालें भी हो सकती हैं, क्योंकि दालें जितनी भी होती हैं इस समय जो भी फसल आपकी कट रही हैं, जैसे कि हो गया चना आपका, चना भी आप जानते हो, अरहर भी हो जाती है, ठीक है, अरहर भी वैसे और टाइम लेती है, ये नहीं हो सकती, और उसके बाद आपका गेहूं भी है मान लो, ठीक है, लेकिन गेहूं इस समय जो भी बोई जाती है, तो यहाँ पर क्या है, रबी की फसल गेहूं, मतलब इस समय जो फसल बोई गई है, ठीक है, आप देख लो आपके आसपास कट रही होंगी, तो वो है आपका चना भी है, तो आपका टिक लगाना चना में, वैसे दालें भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि दालें भी यही सीजन में होती हैं, आप चना के ले लो, अरहर के ले लो, और भी है, ठीक है, अरसी, मूंग तो और भी सीजन में होती है, वैसे दालें नहीं होगा, चना होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो झारखंड में स्थित, कई क्वेश्चन बैंक में ये गलत होता है, तो ये ध्यान रखना है, झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है, तो किसका है, तो मैं बता दूं अभरक का, ठीक है, जल्दी जल्दी बताकर चलता हूं। आगे बढ़ते हैं, आगे आपका आता है, देखो यहां पर क्या कहता है कि भाई निम्न में से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप में पाई जाती है, तो काली मृदा कहां पर पाई जाती है, राजस्थान, यहां पर तो पीली पाई जाती है, मतलब कोई मतलब नहीं, झारखंड में भी नहीं, महाराष्ट्र में भी नहीं पाई जाती, गुजरात है, ठीक है, तो गुजरात आपका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान कितना है, तो भाई साहब बहुत पीछे हमारा भारत, 120वां स्थान, 180वां या 190वां, तो हमारा स्थान है 130वां, तो ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, विश्व क्वेश्चन है, भारत आय की दृष्टि से कैसा राष्ट्र है, तो भारत आय की दृष्टि से कैसा राष्ट्र है, आपको कमेंट में करके मुझे बताना है, ढूंढते रहो क्वेश्चन,
ठीक है, और मुझे फिर कमेंट करो। तो जल्दी से कमेंट करना, मैं पढ़ूंगा जरूर, ठीक है। आपका राइट विकल्प होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आगे है अति लघुत्तरी प्रश्न। इसमें भी आपके कितने नंबर के आएंगे भाई, 6 नंबर के, यानी आपका 2+2+2। तो यहाँ पर देखो क्या है कि भाई 21वां क्वेश्चन, जैव और अजैव संसाधन का कोई दो अंतर लिखना है। दो अंतर लिखोगे तो आपको दो नंबर मिलेंगे। दूसरा, सकल घरेलू उत्पाद क्या है। और तीसरा आपका देखोगे कि भाई प्रच्छन्न बेरोजगारी का कोई अन्य नाम लिखे। तो ये नंबर हैं, तो आप लोग नंबर वाइज भी देख सकते हो। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, आपने एक बात नोटिस की, मैं क्या बताया था किस प्रकार का पेपर आएगा। तो आपका जो पेपर होगा, मैं बता दूँ आपको, लॉजिकल क्वेश्चन ज़्यादा पूछेगा आपकी बात। लॉजिकल क्वेश्चन का मतलब समझ रहा हो कि लॉजिक क्लियर होने चाहिए यार, ये लॉजिक 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 का मतलब क्या है। देखो आपको आपकी बार देखे होंगे कि डेट वाले ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, मतलब जिसमें कि भाई कब हुआ कैसे, क्योंकि डेट याद करना काफ़ी मुश्किल होता है। आपके दिमाग में पड़ी रहें चीज़ें एक बार पढ़कर ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है, जैसे कि सकल घरेलू उत्पाद, जैव और अजैव संसाधन, आप बहुत पिछली कक्षाओं से पढ़ते आ रहे हैं, प्रच्छन्न बेरोजगारी का कोई अन्य नाम लिखना है, तो देख रहे हो, तो इस तरीके क्वेश्चन पूछेगा, तो यही बताना है। आगे देखो, अग्नेय तथा कायांतरिक चट्टानों में खनिजों का निर्माण किस प्रकार होता है, ये भी आपको बताना है। मैं आपको बता दूं कि भाई साहब, ये हमेशा से आप पढ़ते आ रहे हो पिछली कक्षाओं से। और किसी एक पेय फसल का नाम लिखिए, उसको उगाने के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियाँ का विवरण लिखिए। तो पेय फसल आपके जैसे चाय हो गया, ये भी पेय फसल आपकी है, कॉफ़ी भी है, तो वो भी फसल उगाई जाती है, ठीक है, कॉफ़ी नहीं काफ़ी, ठीक है। तो अब उसकी ये पढ़ लेना। आगे देखो यहाँ पर 25वां, भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रकों के नाम लिखिए, वह प्रत्येक का संक्षिप्त विवरण दीजिए, अथवा हम भी कर सकते हो वैश्वीकरण क्या है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, अच्छा संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो ये वाला काफ़ी सरल क्वेश्चन है, तो दोनों में एक सरल देता ही है। हाँ, आपको केवल पढ़ के जाना है, अपने से बना बना कर लिखना, सामाजिक विज्ञान में कभी रटा नहीं जाता। उसके बाद दीर्घ उत्तरी प्रश्न आता है भाई साहब, देखो 6 नंबर के, 2 ठोएंगे, टोटल 12 नंबर के ये भी रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार किसे कहते हैं, इसकी 5 विशेषताओं को लिखिए। अंतर्राष्ट्रीय बाजार मतलब देश विदेश में जो बाजारें हैं। उसके बाद अथवा में है, परिवहन के साधन कितने प्रकार के होते हैं, स्थल परिवहन में सड़क परिवहन को कितने भागों में बांटा जा सकता है, किन्हीं दो का वर्णन कीजिए। अब यहाँ पर देखो, आप ये ना लिखने लग जाना कि जो यहाँ पर दो परिवहन हमें अभी ज़्यादा प्रचलित है, कौन कौन से, एक है आपका वायु परिवहन, जिसे आप हेलीकॉप्टर वगैरह से कर सकते हैं, तो वायु परिवहन हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका एक है स्थल परिवहन। अब ये और चीज़ें आप लोग तैयार कर लीजिए, मैं बताते चल रहा हूँ छोटी छोटी चीज़ें। भारत में उपभोक्ता को समर्थ बनाने के लिए सरकार द्वारा किन कानूनी मापदंडों को लागू करना चाहिए। उपभोक्ता को जो है, उपभोक्ता, सबसे पहले उपभोक्ता का अधिकार आपको जानना चाहिए, पढ़ लेना है, क्योंकि आप हमेशा से चीज़ों को उपभोग कर रहे हो, खरीदते हो, जैसे ये कि आप कागज़ खरीद रहे हो, इसमें भी आप उपभोग ही कर रहे हो, क्यों, क्योंकि कागज़ भी आप पैसे से खरीद कर लाए हो, आप लोग सरकार को टैक्स पे कर रहे हो, यानी हम उपभोग कर रहे हैं चीज़ों का, ठीक है। तो ये है चीज़, हमारा अधिकार है, जैसे कि कागज़ बनाने वाली कंपनी अगर कुछ गलत मटेरियल डाल रही है तो उसके खिलाफ हम शिकायत कर सकते हैं, या अधिक प्राइस का बेच रही तो उसके खिलाफ हम शिकायत कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये हमें जानना चाहिए। और सही में मैं बहुत बड़े ये चीज़ मानता हूँ कि सभी को जानना चाहिए, जो कि किसी को मालूम नहीं होता उपभोक्ता अधिकार, वरना फिर 50 की जगह 100 रुपये देकर लोग ना आ जाएं। आधार कार्ड में बनवाने जाते हैं, 50 की जगह आधार कार्ड बनाने वाले 100 रुपये ले लेते हैं, तो वो भी एक क्या है, उपभोक्ता अधिकार है हमारे अंदर होगा कि हम उन्हें नहीं दे सकते, हमारा काम टाइम से बिल्कुल और उतने ही पैसे में हो, ये है, ठीक है। लेकिन नहीं, हमारा इंडिया है भाई साहब, महान है। अथवा देखो, वैश्वीकरण का प्रभाव एक समान नहीं है, इस कथन की अपने शब्दों में व्याख्या करना है। उसके बाद आगे आता है आपका वही मानचित्रकार आपका आएगा, तो ये भी 5 नंबर का आपका रहेगा, ध्यान देना, 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 नंबर का रहेगा भाई साहब। अब यहाँ पर 5 नंबर का रहेगा, तो ध्यान देना, यहाँ पर जो भी पूछा पश्चिम बंगाल का एक उद्यान, तो ऐसे मार्क से दर्शाना है, ये सारी चीज़ आप देख सकते हो, नर्मदा नदी पर बंधे बांध, यानी चित्र द्वारा दर्शाना, ये वाली चित्र द्वारा, और महानदी जो है चिन्ह द्वारा, नर्मदा नदी, देखो सिंपल है यार, एकदम नहीं दर्शा देना है, नर्मदा नदी पर बने बांध को दर्शाना, नर्मदा नदी कहाँ पर है ये अगर आपको मालूम हो वही के आसपास दर्शा, तो बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन नहीं, ठीक है, इतना बड़े इंडिया में एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ ढूंढोगे। दूसरी बात, पश्चिम बंगाल कहाँ पर स्थित है आपको मालूम होगा, तो बस वहीं पर ऐसे करो, मतलब अरे यार क्या ऐसे बनाओ, ठीक है, और उसके बाद ये चिन्ह लगा दो, सिंपल बस। आगे देखो, झारखंड का एक कोयला क्षेत्र चिन्ह द्वारा नाम सहित, झारखंड कहाँ पर है, झारखंड में, बस ऐसे कर दो, सिंपल, ठीक है बस। आगे, भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक पतन चिन्ह द्वारा नाम सहित, चिन्ह द्वारा आपको ये वाला दर्शाना, तो ये चिन्ह ऐसे दर्शाना है, ठीक है। चलो, ये दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए आप पढ़ सकते हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, बार बार कहता हूँ, चैनल बनना है सब्सक्राइब कर लो यार, वो जो नीचे ग्रे क्या है लाल बटन है उसको ग्रे कर दो, और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दो, शेयर का मतलब वो जो ऐसे चिन्ह बना हुआ है उसमें क्लिक करोगे तो व्हाट्सएप वगैरह खुल जाएंगे, तो व्हाट्सएप से अपने दोस्तों के पास शेयर कर दो, या अपने दोस्तों को बताओ भाई।
क्या हो रहा है दिमाग कभी कभी हिल जाता है यार, कैसे गलती हो सकती है।